मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल क्या होता है। तो आप सब जान लो कि बॉडी में जो टेस्टोस्टेरोन बनता है, ये टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है। नॉर्मल मैन में इसकी वैल्यू होती है 240 mg से लेकर के 1200 mg तक। इस टेस्टोस्टेरोन का काम क्या होता है कि बॉय के अंदर सेक्स डिजायर बढ़ाना, बॉडी कॉन्फिडेंस बढ़ाना, इरेक्शन की क्वालिटी अच्छा करना, मसल की स्ट्रेंथ बढ़ाना, बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाना, इवन मेमोरी को शार्प रखना। बट स्टडी में देखा गया है कि जो जैसे मैन उम्र बढ़ती जाती है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल फॉल करता जाता है। हर आदमी के लिए नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन वैल्यू अलग होता है, प्लस हर फंक्शन के लिए भी अलग होता है। डिजायर के लिए टेस्टोस्टेरोन देखा गया कि मोर देन 400 बेस्ट डिजायर होती है, बट इरेक्शन होने के लिए और किसी का टेस्टोस्टेरोन इवन 200 mg भी है तो इनफ होता है। बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज मेनली डिजायर हार्मोन, इरेक्शन में हेल्प करता है बट प्रीडोमिनेट इसका एक्शन है डिजायर बढ़ाने के लिए। और किसी का टेस्टोस्टेरोन मान लो 200 mg आ जाए, नॉर्मल से कम भी आ जाए, तो उसकी इच्छा घट जाएगी, सेक्स की इच्छा प्रति में एक बार करेगी, पर जब भी इरेक्शन आएगा अच्छा आएगा। इवन अगर टेस्टोस्टेरोन बिलो 200 आ जाए, इवन 100 आ जाए, तब भी पूरा इम्पोटेंसी नहीं आता है। हमारे पर लड़के आते हैं जिनको दाढ़ी मूछ एकदम कम होता है, टेस्टिस छोटे छोटे होते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन का 50-60-70 होता है, 100 होता है, तब भी उनका इरेक्शन पूरा आता है। चाहे लेकिन आता कम समय, महीने में 4 बार आता है, लेकिन जब भी आता अच्छा आता है। तो जैसे आपका जो है, इनका क्या हुआ कि आज से 2 महीने पहले, नहीं 26 जनवरी को, हमारे आज से करीब 26 जनवरी को इन्होंने टेस्ट कराया टेस्टोस्टेरोन, वो आया 327 आया, 322 आया। नेट पे देखा नॉर्मल क्या होता है इस उम्र में, वो लिखा 450-600 होना चाहिए। ये थोड़े डरने लगे कि मेरे में कुछ कमी है। और पहले आपको सिकलपतन हुआ करता था पहले? हाँ, पहले 4-5 साल से पीएमए का प्रॉब्लम था, सिकलपतन था। जब शादी होने वाली, 2 महीने में शादी होने वाली आपकी जी, तो जहाँ देखा टेस्टोस्टेरोन लो आ रहा आप डर गए। जब भी स्ट्रेस होता है हमारे ब्रेन से निकलता है स्ट्रेस केमिकल एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, जो कि ब्लड सर्कुलेशन में जाकर के पेनिस नर्व में जाकर के उसको श्रिंक कर देता है। आप सब जान लो पेनिस जो बना होता है उसके अंदर खून की धमनियां, खून की पाइप, जैसे पानी के पाइप होता है, पाइप कई पाइप से मिक्स, पेनिस जो कई पाइप का स्ट्रक्चर है, पेनिस के अंदर ये कई सैकड़ों छोटे छोटे पाइप से बना होता है। जब हम एक्साइटेड नहीं होते हैं वो सिकुड़ा रहता है, उसमें ब्लड फ्लो नहीं होता, इसे छोटा होता है। जब भी हम एंजॉय करते हैं, सेक्स थॉट सोचते हैं, सेक्स की तरफ जाते हैं, तो ब्रेन से निकलता है कुछ केमिकल जो पेनिस के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड केमिकल बढ़ाते हैं। वो नाइट्रिक ऑक्साइड इस खून की धमनियों के पाइप को फैला देता है, और जैसे फैलता है घर से ब्लड फ्लो सब जाता है तेजी से और फैल जाता है। जिस तरह गुब्बारे हवा डालते गुब्बारा फैल जाता है, उस तरह से ये इसका है, सिंपल फंडा है। आप डरे, डरने से स्ट्रेस केमिकल एड्रेनालिन बढ़ जाता है। वो एंजॉय करोगे, ब्लूफिन देखो या लड़की जाओगे भी तो उसको फैलने नहीं देगा, खुलने नहीं देगा, ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इस स्ट्रेस के मारे आपका पेनिस कड़ा नहीं हुआ, सॉफ्ट होने लगा, छोटा हो गया, आप और डर गए। आप किसी नीम हकीम के पास गए, उसे बोला कि आपसे 16 महीने दवा लेगा। पटना में कोई डॉक्टर था सेक्सोलॉजिस्ट, 16 महीने दवा लेगा। दुर्भाग्य क्या है कि नीम हकीम लोग जो कोई ढंग का क्वालिफिकेशन भी नहीं है, क्वालिफाइड अनकल क्वालिफाइड जो भी एक पॉलिसी है पैकेज बना रखा है कि नस खराब हो गई पैसे दे दो। तो ये स्ट्रेस केमिकल ठीक हो जाएगा,
कुछ ब्लड फ्लो बढ़ाने की दवा लिखेंगे, आपका हार्मोन चेकअप नॉर्मल आया, आपका हार्मोन ठीक है आपका। तो जहाँ तक टेस्टोस्टेरोन कम क्यों होता है जान लो, टेस्टोस्टेरोन कम के कई कारण होते हैं। जब भी आप टेंस हो गए तो ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल रिलीज होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को डाउन कर देते हैं। आपका कोई मोटापा हो जाएगा तो मोटापे में क्या होता है कि एक हार्मोन होता है SHBG जो कम हो जाता है, कुछ और केमिकल चेंज होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है। इस तरह से एक हार्मोन होता है इंसुलिन बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में LHFSH कम बनने से टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, टेस्ट फंक्शन डाउन से कम हो जाता है, कई कारण होते हैं। या किसी किसी उम्र बढ़ने के साथ साथ एक कंडीशन कहते हैं एंड्रोपॉज, मतलब टेस्टिस की टेस्टोस्टेरोन बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है, बट अधिकांश समस्या ठीक हो जाती है। तो आपकी जो शीघ्र पतन है उसका क्या है कि ब्रेन में एक केमिकल होता है सीरोटोनिन, जैसे बताया कि शीघ्र पतन बहुत कॉमन समस्या है, ब्रेन के अंदर केमिकल होता है सीरोटोनिन, जब भी केमिकल कम होता है तो सेक्स सेंटर बहुत एक्साइटेबल हो जाता है और डिस्चार्ज थ्रेशोल्ड नीचे आता है। जैसे आप लड़की बारे सोचते हो जाते हो फर्स्ट उतर बढ़ के निकल जाता है, इसकी दवा लिखूंगा उससे सीरोटोनिन केमिकल ब्रेन में बढ़ जाएगा सेक्स सेंटर में, आपका टाइम कम से 4 मिनट बढ़ जाएगा 4 मिनट। बाकी कुछ सेक्स थेरेपी टेक्निक बताऊँ इसे और लंबा किया जाता है। सिमिलरली टेस्टोस्टेरोन आपका नॉर्मल है, इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा जहाँ सेक्स प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा मैं अपने आप 600 ऊपर चला जाएगा। बाकी थोड़ा एक्सरसाइज करो, योगा करो, हेल्दी फूड खाओ, डाइट का तो सर इशू है, बैचलर है, हाँ अपना सही से खाते तो इस तरह आप वीडियो समझ लीजिए कि जहाँ डर आएगा स्ट्रेस कम कर आपको ब्लड फ्लो कम कर देगा, फिर आप कोई भी दवा खाओगे आप पेनिस टाइट हो जाएगा आपका, जहाँ दवा छोड़ोगे फिर डर हावी हो जाएगा। उसके लिए कुछ सेक्स थेरेपी टेक्निक बताऊंगा भी आपको, उससे परमानेंट ठीक आप हो जाओगे। बस एक ही मंत्र याद करना पड़ेगा, बिना शुगर बिना ब्लड प्रेशर के परमानेंट नुकसान नहीं होता है, सब करेक्टेबल है, करेक्ट, हाँ।